बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साद ब्लॉग यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मौजू है सऊदी अरब विज़िट वीज़ा मालूमात। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो लोग सऊदी अरब से अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा के लिए सऊदी अरब बुलवाते हैं, उनका प्रोसेस एतमाद ऑफिस लाहौर से या इस्लामाबाद से होता है। तो एक सवाल किया जा रहा है कि हम अपने बच्चों को साथ लेकर जाना चाहते हैं, बच्चों के भी वीज़े हैं, वो हमने एतमाद ऑफिस से प्रोसेस करवाने हैं, क्या बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट और फॉर्म बे ये साथ लेकर जाना ज़रूरी है या नहीं। तो आपको मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अगर आप अपने बच्चों के वीज़ा प्रोसेस करवाने के लिए लेके जाना चाहते हैं एतमाद ऑफिस, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट और बे फॉर्म, ये दोनों चीज़ें आपको साथ लेकर जाना होंगी। क्योंकि जिन बच्चों की एज कम होती है, उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको यूनियन काउंसिल से मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप उनका बे फॉर्म निकलवाना चाहते हैं तो वो नादरा ऑफिस से उनका बे फॉर्म निकलेगा, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रिकॉर्ड यूनियन काउंसिल में उसका इंदराज हो जाता है, तो वहाँ से आप बर्थ सर्टिफिकेट उसका निकलवा सकते हैं। जब आप बे फॉर्म निकलवाएंगे नादरा ऑफिस से, तो उसका रिकॉर्ड नादरा के दफ्तर में भी शो हो जाएगा कि ये बच्चे का बे फॉर्म है और उसकी ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके बच्चों की एज कम है तो नादरा ऑफिस से एक अंडर एज शनाख्ती कार्ड भी जारी होता है, आप अपने बच्चों के शनाख्ती कार्ड बनवा लें अंडर एज के, ताकि उनका वीज़ा प्रोसेस जो है वो ईज़िली हो सके। याद रखें कि जो लोग भी सऊदी अरब से विज़िट वीज़ाज़ अपनी फैमिली के निकलवाते हैं, उनका जो प्रोसेस है वो एतमाद ऑफिस लाहौर या एतमाद ऑफिस इस्लामाबाद से होता है। और अगर आप उसकी अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर यहाँ से जाएंगे तो आपके 10 से 12 हज़ार रुपये फीकस पासपोर्ट जो है वो बच सकते हैं। तो अगर आपको एतमाद ऑफिस की कोई अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी है तो आप मुझसे राबता कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट करें, 03017729240, 03017729240 ये मेरा नंबर है। हम आपको लाहौर या इस्लामाबाद की एतमाद की अपॉइंटमेंट लेकर दे सकते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट के बगैर अगर आप जाएंगे तो आपकी जो है वो लाउंज सर्विस कंसीडर किया जाएगा और उसकी फ़ीस तकरीबन 60,000 से 65,000 के दरमियान है। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो 40,000 से 50,000 के दरमियान होगी और आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो ये एक मालूमाती वीडियो थी कि जो लोग ये जानना चाहते हैं कि जी बे फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो जी बिल्कुल उसकी ज़रूरत है। और इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट भी करवाना है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाने का बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप अपनी किसी कोरियर कंपनी जैसे TCS है या कोई भी कोरियर कंपनी है, उसके ज़रिए भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा सकते हैं। तो जब आप सऊदी अपना वीज़ा प्रोसेस करवाने के लिए एतमाद ऑफिस जाएंगे तो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।